भोपाल कृषि मंत्री कमल पटेल ने 2 दिसंबर को 10:30 बजे कृषि मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने एवं मेले में किसानों के बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने की संभावना जताई गई है। इसी मेले में कवरेज करने समय जगत की टीम पहुंची, जहां उपस्थित तमाम स्टॉल लगाने वाले लोगों से बातचीत की। और कंपनी का इसमें बंसी और बंसी गोल्ड में बहुत अच्छा ब्रांड है और अमेरिका की बेडरसन कंपनी है, उसका साइटो जैम से चीटेड है। हमारे पास सीरियल क्रॉप में भी टोटल रेंज है, ऑर्डर में भी टोटल रेंज है, कुछ वेजिटेबल में भी है, कुछ वेजिटेबल और हाइब्रिड वेजिटेबल हमारे पाइपलाइन में भी है। सर, ये जो वेजिटेबल्स के सीड है उसमें क्या खासियत है? वेजिटेबल सीड्स में क्वालिटी हमारी अच्छी है और एक ट्रस्टेड नाम है हमारा, और हम जो कहते हैं वही हमारा सीड निकलता है। जी सर, बिल्कुल। मैं भी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आपके सीड्स खरीदें, देखें कि क्या क्वालिटीज हैं। और सर, आप क्या बोलना चाहेंगे अपने स्टॉल के बारे में? मैं भाइयों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा, एक बार हमारा बीज जो भी लगाते हैं उनके एरिया में जो भी सीड लगता हो एक बार लगाएं, परखें और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अन्य किसानों को भी सलाह दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अनिरुद्ध गोस्वामी है। सर, किस काम का आप यहाँ पर स्टॉल लगा के रखे? एक्चुअली हम लोग सीएट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग का है, जिसका एसोसिएट है सृष्टि एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग सृष्टि एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन। सर, तो आप इसकी रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी देते हैं, थोड़ा व्यूअर्स को आप इससे रिलेटेड बताएं इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली सृष्टि एजुकेशन एक ट्रेनिंग पार्टनर है सीएट का, जो कि मध्य प्रदेश में हम लोग कौशल विकास प्रशिक्षण के प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। अभी वर्तमान में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर में हमारे सेंटर चल रहे हैं। तो हम लोग जो भी किसान भाई लोग हैं जिनके लिए हम लोग एक आवासीय प्रशिक्षण योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि 45 दिन का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में हम लोग ट्रैक्टर मैकेनिक और कंबाइन ऑपरेटर, इन दो विषयों पर प्रशिक्षण देते हैं। जो भी किसान भाई जिनके पास कंबाइन है, ट्रैक्टर है, जिनके पास नहीं भी है, वो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेते हैं। वो एक तो खुद का प्रशिक्षण के उपरांत ये खुद का भी काम कर सकते हैं, और अगर जो इच्छुक हैं कहीं बाहर नौकरी करने के तो सरकार के द्वारा उनको प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। सर, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं क्या आपके पास जिससे कि लोग आसानी से इन चीज़ों को समझें? एक्चुअली वी हैव अ ट्रेंड ट्रेनर एंड महिंद्रा इज आवर ट्रेनिंग पार्टनर। जो महिंद्रा ट्रैक्टर है उनके जो बेल एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो हमारे सेंटरों में प्रशिक्षण देते हैं, और उनके पास जो लेटेस्ट सुविधाएं हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर हम लोग सेंटर में प्रशिक्षण कराते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र धाकड़े, श्री आनंद नर्सरी से हूँ। मेरा नर्सरी मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के राजौत गाँव में। जी सर। सर, ये स्टॉल किससे रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है? ये सारे फ्रूट प्लांट हम लोग देते हैं ग्राफ्टेड, जिसमें मैंगो है, गुआवा है, गुआवा में लेटेस्ट वेराइटियाँ हैं, एक जापानी रेड वेराइटी है, ताइवान पिंक है, वी एन आर है। फ्रूट प्लांट में मैंगो, लगभग फ्रूट प्लांट सारे देते हैं, चीकू, कटहल, जामुन, सारी चीज़। सर, तो आप व्यूअर्स को समय जगत के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का ट्रेंड जो है खेती में मुनाफे कम और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए आप बागवानी के लिए किसान अग्रसर हो, बागवानी लगा, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, कम खर्चे हैं, कम पेस्टिसाइड का खर्चा है, लेबर कम है, इसलिए बागवानी में अच्छा प्रॉफिट है। बागवानी के लिए किसान को अग्रसर होना चाहिए, उसके लिए पूरा गाइड करें। नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सोपान आटक है। सर, ये स्टॉल किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर में जो टपक सिंचाई रहती है उससे पूरा उत्पादन करते हैं, जो ऐसे सीरीज रहती है उसका उत्पादन करते हैं हम। सर, तो इसमें नई टेक्निक्स या फिर किसानों को कुछ खास मदद मिले इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? किसानों का जो खेत में पानी देते हैं उसमें बचत होती है पानी की, और उसका टाइम का भी बचत होता है उनका, जैसा कि वो उसको दिन भर लगता था पूरा काम, वो 2 घंटे में 3 घंटे में पूरा काम हो जाता है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। जी सर, यानी सर जो इरिगेशन सिस्टम है उससे काफ़ी मदद मिलती है? हाँ, बहुत काफ़ी। इस टेक्निक से? टेक्निक से, और पैसे की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। जी सर। सर, और हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी है ड्रिप का, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से अपना देश का भी तरक्की हो सकता है और किसानों का भी तरक्की होता है।
खबर समय जगत के लिए भोपाल से रोशनी शर्मा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।